कि इमरान खान साहब नूं कदे इधर सद के आ सन्मान किया जाए उन्हां दा। बिल्कुल जी, जे रब ने चाहिया बस मैं चाहवांगा आप भी इतने इन्ना ही प्यार देइए, दोनों पासे प्यार रहे। शाम दी दो कहते हैं उन्होंने असं कभी देन नहीं दे सकते। आगाज तो बहुत अच्छा है और अंजाम अच्छे होंगे कि 1947 तो बाद पंजाब वास्ते एडू वड्डी कोई होर खुशी नहीं हो सकती जो अज आपां नूं महसूस होंदी। करतार भुलांगा कदों खुलेगा, अरदासां बहुत हुई 72 साल अरदासां ते लांघे, नानक नाम लेवा संगत ने अरदासां कीतियां, पर उन्हां अरदासां दे विचाले जथेदार कुलदीप सिंह वडाला, मरहूम जथेदार कुलदीप सिंह वडाला, जिन्हां ने बहुत अरदासां कीतियां, जिन्हां जिक्र वार वार होवेगा इतिहास दे विच, उन्हां दे सपुत्र गुरप्रताप सिंह वडाला इस वक्त साडे मौजूद है कि वह उत्थे जा के आए है, उस जगह ते जा के आए है जिसका सुपना जिहड़ा लैण वालां दे विच उन्हां दे पिता जी भी शुमार रहे है। कि वडाला साहब परिवार दे लई बहुत वड्डी गल है, सानू सारिआं नूं, सारे सिख पंथ नूं, सारी गुरु नानक नाम लेवा संगत नूं बड़ी तसली है, बहुत वड्डी खुशी है। सारे लोग ये आख रहे ने, आपां जाणदे आं कि 1947 तो बाद पंजाब वास्ते एडू वड्डी कोई होर खुशी नहीं हो सकती जो अज आपां नूं महसूस होई है। जिहड़ी उस समय गलती होई सी, लकीर खिंची सी 1947 च, गुरद्वारा करतारपुर साहब उधर रह गया सीगा, उहदे वास्ते अनेकां ही करोड़ां अरबां अरदासां होईआं, संगत ने भी की, वडाला साहब ने 18 साल लगातार इतने आके अरदास की, उस बंधे पर खड़े होकर उन्होंने गुरद्वारा करतारपुर साहब के मसले को इंटरनेशनल लैवल तक ले जाने उन्होंने बहुत बड़ा योगदान पाया। तो एक मिशनरी सके वडाला साहब, उन्होंने इनू इस लांघे की सेवा में कहा कि यह पंथ का मिशन आ, तो यह भी आखते सके कि मैं रवान चाहे ना रवान लांघा कि दिन जरूर खुलूगा। सो अज लांघा खुल गया, काश वडाला साहब इतने होंगे तो बड़ी तसली होनी सी, उन्होंने बहुत खुशी होनी सी, पर परमात्मा नूं मंजूर नहीं सी, लेकिन अज उन्हां दा सुपना साकार हो गया, तो बहुत ज़्यादा खुशी है। इतिहास नवा बनिया इंडिया ते पाकिस्तान के दरम्यान, इस हिस्टरी नूं असीं आपां सारे देख रहे हैं, अज की पीढ़ी देख रही है, 1947 तो बाद अज द्वारा इतिहास कायम होया, जदों ये जिहड़ी लकीर खिंची सी रेडक्लिफ ने उन्हें मिटाउण की कोशिश की है इस लांघे ने। सो इस तों वड्डी होर खुशी कि होनी है, तो यह भी लोग आखते हैं, सरकारां भी आखरियां ने कि शायद लांघा एक अमन अते शांति दा लांघा साबित होगा दोहां देशां दे दरमियान। वडाला साहब, हो सकदा कि शायद तुसीं इस गल नूं मन्नण दे विच गुरेज करो, पर सच यह हैगा कि जिहड़ी वडाला साहब ने एक मिशन तुसीं जिस नूं कह रहे हो जिहड़ा सोचिया सीगा, शायद उन्हां दी पार्टी ने उस नूं अपना मिशन कदे नहीं बनाया गा, तुसीं इस गल नाल इतफाक रखते हो? श्रोमणी अकाली दल वल्लों समें समें सिर केंद्र दी सरकार कोलों इह गुरद्वारा करतारपुर साहब दे लांघे दी गल तां कीती गई है, ऐसी गल नहीं, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने भी कई बार मते पा के, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ना या जदों सरदार मनमोहन सिंह सीगे प्राइम मिनिस्टर उदों भी उत्थे जाके गल आखी है दिल्ली की सरकार नूं कि लांघा दिओ, लेकिन जदों 550 साल शताब्दी समागम आए तो केंद्र नूं भी पता सीगा कि यह बहुत ढुकमा समा आ सिख पंथ नूं एक बहुत वड्डी खुशखबरी देण दा। इमरान खान ने उधरों ऐलान करता, तो इधरों अपने मोदी साहब ने ऐलान करना पिया, उन्होंने करता होया तो दोवें सरकारां करके ही है, लेकिन देखो हुण बादल साहब ने अज भी आख्या उत्थे स्टेज पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की हाजिरी में किया कि वडाला साहब ने इहदे पिछे बहुत वड्डी सेवा की है। परसों भी दरबार साहब गए सी बादल साहब, उत्थे भी उन्होंने जिक्र किया, बीबी हरसिमरत बादल ने भी किया आ, पर इहदा बहुता फर्क नहीं पैंदा। वडाला साहब अपने समय कहिंदे सीगे कि आपां इहदा सिर अपने सिर नहीं लैणा, आपां क्रैडिट दे विच नहीं हैगे, जदों इह अपना मिशन पूरा हो गया तो आप गुरु नानक देव जी के दे चरणा च, गुरु ग्रंथ साहब जी के अपने चरणा च अपनी शुक्रिया उन्होंने करांगे, शुक्रिया की अरदास करांगे भी आपां नूं लांघे खुलना मतलब आ अपने सिर सेहरा लैण की कोई गल नहीं, पर चलो संगत नूं पता आ, लोगों नूं पता आ वडाला साहब का या होर किहदा किहदा किड्डा योगदान रहा, लेकिन अकाली दल के लीडर मनते भी आ, स्वीकार भी करते आ, पर यह छोटी गल है, कौन कहिंदा कौन नहीं कहिंदा इहदा कोई बहुता फर्क नहीं पैंदा। वडाला साहब, नवजोत सिंह सिद्धू का तुसीं किन्ना कु योगदान मानते हो? नवजोत सिंह सिद्धू जदों इत्थों गया उदों उन्होंने कोल लांघे का एजेंडा नहीं सीगा, देखो आपां नूं असलीयत ते आउणा चाहीदा, जो सच्चाई यह है कि नवजोत सिंह सिद्धू प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जी के सहुं चुक समागम च गए सीगे, उत्थे जा के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जी ने या जनरल बाजवा ने आख्या कि असीं लांघा खोलण जा रहे हैं। देखो लांघा तो पाकिस्तान की सरकार पहला ही अपने खोलना चाहती सी, जो वडाला साहब जथे लैके जाते 2005 तो लैके 7-8 तक बॉम्बे के अटैक तो पहला, तो पाकिस्तान वाले चाहते से लांघा खोल देना आ,
लेकिन सिद्धू साहब एक मैसेज लैके आए, इमरान खान का एक जरिया बने आ, इन्ना उन्हों का योगदान हैगा आ, वो आप जरूर स्वीकारते हैं, उस तो बिल्कुल आप इनकार नहीं करते। तुहानू की लगता है कि पहल जी इमरान खान साहब हर ने की है कि है उस पहल के नाल दोहां मुल्कां दे विच शांति दे सुनेहे नाल जिहड़ा पंजाब दा अर्थचारा कमजोर अर्थचारा हैगा वो जिहड़े बाकी लांघे हैगे आ हुसैनी वाला ते इधर अटारी वाघा सरहद वो लांघे भी खुलने चाहिए आ, उस दे लई वडाला परिवार सोच रहा जां तुहाडी पार्टी है जिहड़ी उस काम नूं अगे वधाएगी कोई? देखो जद आपां अरदास करदे आ ते आपां सारे जिन्ने भी विछड़े हुए गुरधाम ने उहनां दी अरदास करदे आ, ननकाणा साहब का पहला जिक्र करते हैं, एक ना एक दिन जरूर यह भी आऊगा, अज भी उत्थे गल हुई है, इमरान खान जी ने भी आख्या कि असीं तां चाहुंदे हां सदा वास्ते दोवां देशां च शांति रहे, दोवां देशां दे जिहड़े संबंध है वधिया रहन तां कि व्यापार भी वधे ते गरीबी घटे ते खुशहाली होवे। लेकिन इक्को मसला जिहड़ा कश्मीर का मसला वह देखो जरूर आपां नूं आस है कि कश्मीर का मसला भी एक ना एक दिन हल होगा, तो ये जिहड़े तारां तूरां जिहड़े बॉर्डर है सारा खुल जाऊगा, तो अपना व्यापार वधूगा, बहुत लोड़ आ आपां नूं भी, तो बहुत लोड़ उन्हां नूं भी हैगी है, पर यह जरूर आपां नूं उम्मीद रखनी चाहिए है कि जे 72 साल बाद गुरद्वारा करतारपुर साहब का लांघा खुलिया तो इस तो अगे ननकाणा साहब दूर नहीं, पंजा साहब दूर नहीं, या जिहड़ी अपना आना जाना मिलना वरतना सांझ प्यार सद्भावना ये जरूर वधूगी, जिस तरीके उन्होंने साड़ी अज आओ भगत की है वो पंजाब भी अपना आ, तो यह पंजाब भी अपना आ, कोई फर्क नहीं लगता, वह तो बाजा मारते हैं कहते फिर दसो कदों आओगे, फिर साढ़े को जल्दी आयो, तो बड़ी खुशी हुई अज उत्थे जाके, बड़े मन नूं तसली आई है, बड़ा सुकून मिलया सारे जथे नूं, ते सानूं उम्मीद आ कि यह लांघा अमन ते शांति का लांघा भी साबित होगा, नाल नाल उहदे नाल व्यापार कारोबार भी वधूगा, तो दोवां देशां दी खुशहाली विच एक बहुत वड्डा मील पत्थर साबित होगा गुरद्वारा करतारपुर साहब का लांघा। अज तुसीं सारे इकट्ठे नज़र आ रहे हो गुरु नानक साहब का फलसफा सांझी वालता का, ये अज तक ही है जां अगे भी रहेगा? देखो गुरु नानक देव जी कृपा करन सारियां पार्टियां ते, जिहड़े देखो 550 साल शताब्दी समागम सारियां नूं इकट्ठे होकर मनाने चाहिए सीगे, जो जयदार अकाल तख्त साहब ने कहा सीगा कि तुसीं सारे इकट्ठे होकर मनाओ, चाहे स्टेजां वक्खरियां वक्खरियां ला लो लेकिन कोई फर्क ना करो, अज सारे इकट्ठे होकर गए हैं, इको स्टेज पर बैठे हैं, बसों से गए हैं, गड्डियों से गए हैं, कोई बहुत ही गल नहीं सी लगती, कोई फर्क नहीं सी दिसदा, कोई अंतर नहीं सी दिसदा, सो सानू उम्मीद है कि जे एवें जिवें आप गुरु नानक देव जी की सोच से पहरा दईए, गुरु नानक देव जी की जिहड़ी बाणी अमल में लैके आईए, फिर तो सारा सारी मानवता ही एक आ, सारे जिहड़ी इंसानियत एक आ, सारी लुकाई एक आ, फिर कोई फर्क नहीं रहिंदा, पॉलिटिक्स तो बहुत थले आ, गुरु नानक देव जी की जिहड़ी फिलोसफी आ वो तो बहुत महान आ, जरूर कृपा होगी अपने सारिया पार्टियां ते अपने सूबे ते ताकि सारे रल मिल के चलन ते देश दे भले वास्ते पंजाब दे भले वास्ते पंथ दे भले वास्ते कम करन। एक आखिरी सवाल बटाला साहब, जो उधर लांघे जरिए कदम रखिया पिता दी याद आई? ये तो बहुत भावक सवाल है जी तुहाडा, जो इत्थों असीं गए हाँ इस टर्मिनल विच एंटर किए हाँ तो सारे उन्हां दी गल कर रहे सी, उन्हां दा जिक्र कर रहे सी, ते साडे मन विच भी आउंदा सीगा कि देखो कि समा गुरु नानक देव जी की कृपा ना कितनी जल्दी आ गया, पर वो वडाला साहब अपने विच नहीं रहे, तो मन जरूर इस गल ना उदास भी हुंदा आ, तो अपने जिहड़े अपना जज्बा आ वह भी वह आपां नूं बहुत झूंझदे आपां उस गल ना कि अगर वडाला साहब हुंदे तो बहुत चंगा होना सीगा, पर वह फिर नहीं आपां कुछ कर सकते, परमात्मा उन्हां नूं लै गया पहलां, तो याद तो बहुत आई है, लेकिन एक गल की तसली आ कि उत्थे बैठे देखते ने सारी संगत कहती है कि वह जरूर उन्होंने तसली है, स्वर्गों बैठे ने गुरु नानक देव जी के चरणों बैठे ने, तो वह अपना सुपना साकार हों देख रहे हैं, सो इस ये सानू भी इस गल बहुत अपने मन में समझा पैंता है, पर अज याद तो बहुत आई उन्होंने, तो उन्होंने मिस भी किया, काश गुरु साहब थोड़ा बहुत समा उन्होंने देते तो बहुत चंगा होना सगा, पर ये अगे कोई जोर नहीं गा कुछ आप कर नहीं सकते, लेकिन उन्होंने नाम एक तरह ना सदा वास्ते इतने रह गया, सदा वास्ते अमर रह गया, जिहड़ी सेवा वो बड़े सिर ना बड़े सिदक ना ते बड़ी एक मिशनरी स्पिरिट ना निभा के गए ने, सदियां तक लोग उन्होंने याद करते रहेंगे, इस तो वड्डी होर गल केड़ी हो सकती है। बड़ा साहब बहुत धन्यवाद तुहाडा, तुसीं कहा सदियां तक लोग उन्होंने याद करते रहेंगे, गुरु नानक साहब ने जो फलसफा दिता है इस जगत नूं उस नूं रहिंदी दुनिया तक याद रखा जाएगा, गुरु नानक साहब ने जिस तरीके नाल इस कौम नूं अगे वधाया, इस जगत नूं अगे वधाया है, उन्होंने राहां दे विच करतारपुर लांघा खुल चुकिया है,
ਤੇ ਸੰਗਤ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਨ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅਮਨ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਇਹ ਹੋਰ ਲੰਮਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਫੈਲੇ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਰੁਪਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲਈ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਸੱਦ ਕੇ ਆ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਬਸ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੇਈਏ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਪਿਆਰ ਰਹੇ। ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਆਗਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਔਰ ਅੰਜਾਮ ਅੱਛੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਐਡੂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ।